प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 57 गुलाबगढ़ से, तमाम वोटर्स का, चाहे वो गुलाबगढ़ से हैं, हमें गुलाबगढ़ से भी हर स्टेशन से उन्होंने नामेद नहीं किया, 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, चसाना बैठ से बहुत अच्छा वोट मिला हमें, तूली बन्ना, नाटकोट, प्राणकोट, शजरू, मलाज, जमसलान, सब वोटर्स का, चैठी चांद का, मोहर प्रापर का, साड़बगा, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका जाते हैं, मैं उनका दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने कार्यकर्ता जो हमारे साथ चलते थे, जिसमें खासकर हमारे जमान शाह साहब, हमारे हाजी अब्दुल गनी मलिक साहब, हमारे मुश्ताक मलिक मोहर से, हमारे नए गुलाम कादर जी ज्वाइन हुए चची से, हमारे मंडल प्रधान भगवान सिंह जी, हमारी महिला मंडल मोर्चा की अध्यक्षा लक्ष्मी देवी जी, हमारे मंडल प्रधान चसाना से सुखदेव जी, और पूरी हमारी टीम, युवा टीम में सबका, जो हमारे आईटी सेल के लोग थे, जो मीडिया के लोग थे, जितनी भी हमारी टीम थी, मैं सबका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों की मेहनत ने रंग लाया और आज हमारा देश एक तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे साथ पास 350 प्लस का आंकड़ा है, इसमें हमारा, मैं तो समझता हूं कि इन सब लोगों का योगदान है, इन सब लोगों का हिस्सा है, मेरी तरफ से इन सबको मुबारकबाद और शुक्रिया। सर दूसरी बात, जैसे पीएचई वालों को सर जो डिलीवरीज रहे हैं सर, इनको जैसे निकाला जाता है सर, क्या लगता है आपको कि ये ऐसा होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए? देखिए ये लंबी चौड़ी कहानी है। 2008 के इलेक्शन में मेरे चसाना के अंदर एक कैंडिडेट ने जेई से मिलके कोई 200 ऑर्डर किए डेली वेजेस के, और उनकी 2-3 महीने पहले की पे भी डाली की, वो पे उन्होंने अपने पॉकेट से डाली और उनको पूरा यकीन दे दिया कि आपको हमने मुलाजम बना दिया, लेकिन उनके साथ धोखा किया। जब रिजल्ट आया तो नेचुरली आपके पास 100 बंदा आपने मुलाजम लगाया तो वोट 4-5 हजार तो बनेगा ही बनेगा, तो वो जीत गए और उनके साथ धोखा हुआ। ऐसा डेली वेजर जितने भी लोग हैं हमारे, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, चाहे हडाक हैं, ये इनोसेंट लोग हैं, ये बेकसूर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको मिसयूज किया गया है। मैंने आपको पहले कहा कि यहां कोई जेई नहीं आता है, यहां कोई एडब्ल्यू नहीं आता है, यहां कोई एक्शन नहीं आता है, हमारे यही एक्शन होते हैं, हमारे यही जेई होते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में ये 500 का मुलाजिम काम कर रहा था, ये डेली वेजर इसी ने ये सारा सिस्टम चलाया है, चाहे उसे पूरी तरह से नहीं चल पाया लेकिन चलाया है, उन्होंने बहुत कोशिश की है। आज हमारा बिजली का सिस्टम जो चल रहा है, हमारा पानी का सिस्टम चल रहा है, हमारा कोई भी काम जो हो रहा है ये डेली वेजर लोग ही चला रहे हैं, जो असली लोग हैं वो फील्ड में आते ही नहीं है। मेरी गवर्नमेंट साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये इनोसेंट लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, इनका शोषण किया गया है, इनको मिसगाइड किया गया है, इनको एक्सप्लॉइट किया गया है और इनका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार लोग जो है वो अभी आज भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इसलिए सजा उनको मिलनी चाहिए, ना कि इनको मिलनी चाहिए। अगर किसी ऑफिसर ने किसी डेली वेजर को गलत ऑर्डर किया है तो मैं समझता हूं कि उस ऑफिसर को पनिशमेंट दी जाए, और इन डेली वेजर जितने भी है मेरी गवर्नमेंट साहब से अपील रहेगी, और मेरे अपने प्रेसिडेंट जो है रैना साहब से, अशोक कोल जी से, पूरी अपनी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट यूनिट है, और साथ साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मेरी ये गुजारिश होगी आपके माध्यम से, और हम पर्सनल भी बात करेंगे इनसे कि इन लोगों को निकाला ना जाए, क्योंकि यही लोग सिस्टम को चला रहे हैं और ये बहुत गरीब और मजलूम लोग।